गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस। बच्चों, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बात कर रहे हैं हम मॉडम की। मॉडम बेसिकली मॉडुलेट एंड डीमोडुलेट दिस सिग्नल्स। मॉडम का काम है सिग्नल को मॉडुलेट करना और डीमोडुलेट करना। दो तरह के बेटा यहाँ पर सिग्नल्स होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल, हम बात करते हैं BSNL लैंडलाइन की। जो हमारे घर में पुराने PNT फ़ोन्स होते थे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो फ़ोन है वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होते थे, उनमें जो सिग्नल मूव करता था दैट इज़ एनालॉग सिग्नल। और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे डिवाइसेस हैं, वो सब डिजिटल सिग्नल्स में काम करते हैं। तो जब हम नेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम BSNL की लाइन से हम नेट लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक मॉडम की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपका PC है। PC जो है आपका डिजिटल फॉर्म में काम करता है, जिसको आप लोग बाइनरी फॉर्म भी बोलते हैं। आप बच्चों ने पढ़ा हुआ है बाइनरी फॉर्म, 0-1 की फॉर्म में सिग्नल्स मूव होते हैं। मॉडम लगाने से क्या होगा, जो एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एनालॉग सिग्नल का स्ट्रक्चर फिजिक्स में आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये सिग्नल जो हैं ये मॉडम के थ्रू कन्वर्ट होंगे, तब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, देन PC इसे समझ पाएगा। और ऐसे ही जो PC से डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स निकले हैं, ट्रांसमिट हुए हैं, और उनको मॉडम कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो मॉडम का काम ये होता है। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं मोबाइल में अंदर नेट चलता है आपका, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब डिजिटल फॉर्म में ही है, अब इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जो एनालॉग सिग्नल के थ्रू नेट कनेक्टेड होंगे, वहाँ पर आपको मॉडम की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है RJ45। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फुल फॉर्म ऑफ RJ? रजिस्टर्ड जैक। आपके घर में सभी के पास PC है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर एक, हम अगला टॉपिक भी लेंगे एथरनेट कार्ड, जो इसके नीचे भी लिखा हुआ है इसमें, दैट इज़ NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो हर एक PC में होता है। आप एक PC से दूसरे PC को कनेक्ट कर रहे हैं, या उस PC से आप नेट कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको RJ45 कनेक्टर्स का उपयोग करना पड़ता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी वायर होती है Cat6 केबल्स की, उसमें कलर वायर्स होती हैं, उन वायर्स को एक कनेक्टर के थ्रू हम सिस्टम से कनेक्ट कर पाते हैं। नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, नेट चलाने के लिए यूज़ होता है। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास RJ45 कनेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ एथरनेट कार्ड। एथरनेट कार्ड इज़ अ सच काइंड ऑफ नेटवर्क अडेप्टर एंड इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दैट इज़ नोन एज NIC। हर एक PC में होता है, वहाँ पर आप देखेंगे बैक साइड में जहाँ पर पोर्ट्स होते हैं, दैट इज़ वहाँ पर आप देखेंगे कि लाइट ब्लिंक करती है, एक लाइट ब्लिंक करती रहेगी जहाँ पर आप RJ45 कनेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरह का एक कार्ड होता है, दैट इज़ एथरनेट कार्ड NIC, जिसके थ्रू आप नेट कनेक्ट कर सकते हैं या सिस्टम को आप नेटवर्किंग से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ स्विच। हम जनरल बात कर रहे हैं स्विच की, घर में स्विच होते हैं, वो स्विच यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्विच का मतलब आप समझ लीजिए कि पहले एक हब चलता था। हम अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं, हमने लास्ट सेशन में पढ़ाया भी था आपको स्टार टोपोलॉजीज़, अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक हब की ज़रूरत पड़ती है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है जो सारे PC को कनेक्ट करता है। ऐसे हमारे पास होता है स्विच। स्विच और हब में एक ही डिफरेंस है, स्विच की स्पीड ज़्यादा होती है ब्रॉडकास्ट करने की, हब की कम होती है, अदरवाइज देखने में एक जैसे लगते हैं। आप मल्टीपल पीसीज को जब कनेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा पीसीज को आप सब कनेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग आप एस्टेब्लिश करते हैं, तो आपको वहाँ पर स्विच की ज़रूरत पड़ती है। ये मार्केट में आपके अलग अलग पोर्ट्स के हिसाब से अवेलेबल है, 4 पोर्ट का आएगा, 8 पोर्ट का आएगा, 16 पोर्ट का आएगा, व्हाटएवर, जो जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप स्विच का यूज़ करते हैं। यानी लाइन एस्टेब्लिश करने के लिए बेटा सीधी सी बात है, स्विच का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह का होता है ये
आरजे कनेक्टर्स इसमें पूरे फिट होते हैं। रिपीटर, रिपीटर नाम से पता चल रहा है, रिपीट करना यानी जो सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, एम्पलीफाई करता है, दैट इज़ अ अनदर डिवाइस। अ रिपीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स अ सिग्नल एंड एम्पलीफाई इट एंड देन रीट्रांसमिट ऑन द नेटवर्क। तो सिग्नल्स की स्पीड्स को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका राउटर्स और एक गेटवे। ये दो थोड़े से डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो प्रायः देखने में नहीं मिलते एक नॉर्मल सी लैन के अंदर। बट राउटर इज़ बेसिकली अ नेटवर्क डिवाइस विच एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क्स बट विच हैव अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। यानी उनके जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे बट आपके दो नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए राउटर का यूज़ करते हैं जो रूट डिसाइडेड करता है। ये तो हो गया एक डिवाइस राउटर। और गेटवे क्या होता है? गेटवे आप समझते होंगे, हम अगर एक जनरल हम एग्जांपल दें, हम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बोलते हैं गुवाहाटी। वाई? क्योंकि गुवाहाटी एक ऐसी जगह है जहाँ से वो 7 स्टेट्स पूरे के पूरे कनेक्टेड होते हैं। तो वही आप इसी समझ सकते हैं गेटवे यहाँ पर वो डिवाइस है जो दो डिसिमिलर नेटवर्क, डिसिमिलर समझ में आ गई बात, डिफरेंट डिफरेंट, जो दो डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में एक एस्टेब्लिश एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, दैट इज़ नोन एज गेटवे। एंड द बेटा टूडेज लास्ट टॉपिक इज़ वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड सब बच्चे जानते हैं, वाईफाई कार्ड क्या है? आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल के अंदर इनबिल्ट है, आपके टैब के अंदर इनबिल्ट है। और अगर आप एक्सटर्नल, मान लीजिए आपका कोई पीसी है और बहुत ओल्ड वर्जन का है एंड इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल वाईफाई, तो उसके लिए आपको एक अलग से वाईफाई कार्ड भी उसमें लगाना पड़ता है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू सिग्नल्स आपके कम्युनिकेट हो सकें, ट्रांसमिट एंड रिसीव हो सकें, इसके लिए हम वाईफाई कार्ड का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में समझा और काफ़ी हद तक आपको आई होप समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे टर्मोलॉजीज़ हैं जो बेटा 1 या 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में आती हैं। आपको पता है नेटवर्क का जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है एंड इट इज़ अ वेरी थ्योरेटिकल। देर इज़ नथिंग प्रोग्रामिंग, देर इज़ नथिंग कोडिंग, ऑल आर द थ्योरेटिकल बेस्ड। तो इनको आप नोट्स बनाएं, इनको लर्न करें और मुझे आप अपना काम ज़रूर दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।